तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेराक। आवाज़ बैठ गया क्योंकि बहुत कल रात को यहाँ बहुत खतरनाक वाली ठंडी थी। इस ट्रिप की सबसे ज़्यादा ठंडी इसी में थी क्योंकि मेरे पीछे है द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, और पैंगोंग लेक के आजू बाजू जो आगे जो टूरिस्ट रुकते हैं ना स्पांगमिक एरिया में, वहाँ भी बहुत ठंडी होती है। और टेंट प्रेफर नहीं करना चाहिए ऐसी ठंडी में, क्योंकि टेंट में बहुत ठंडी होती है। हमने लिया था मेराक में होम स्टे, जो बहुत ही अच्छा था, कॉजी था, लेकिन जो होम स्टे में जो ठंडी होम स्टे में जो गर्मी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। अभी ये मेरे पीछे छोटा सा मेरा गांव मेराक, अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग नहाने के लिए वया चुशुल। तो ऑनेस्टली हम नहाने की सोच भी नहीं रहे क्योंकि बहुत ठंडी है, ऐसे ही निकल जाएंगे। चलो मिलते हैं अगली बाइक पे। तो वापस से अपना बाइक रेडी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये देखो गाय, लेकिन इसके ये देखो क्या बोलते उसको, बाल देखो, गाय का बछड़ा। यहाँ के कुत्ते भी ऐसे होते हैं एकदम मासूर, जिसमें एकदम ये होता है। अच्छा चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली यहाँ से निकलते हैं अभी छोटे से और सुंदर गांव से मेराक। मैंने उनको पूछा कि यहाँ की पॉपुलेशन कितना है, तो शायद से उन्हें 40-50 बोला। अभी उनको शायद क्वेश्चन समझा कि नहीं पता नहीं, उन्हें 40-50 घर बोले या लोग बोले पता नहीं। एनीवे चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी वो सामने द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, अभी इसका थोड़ा साइड जाएंगे हम लोग, साथ नहीं छोड़ेंगे थोड़े से किलोमीटर तक चुशुल पहुँचने तक। तो आज के दिन का पहला वाटर क्रॉसिंग, चलो जाते उत्तरी सीधा जाना ओके। नीचे क्या जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उस पर गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। देखो तो रास्ते की कंडीशन ऐसे है, रोड बन रहा है, इस पर सारा जो पत्थर है इस पर से गाड़ी स्लिप हो रही है, तो पता नहीं भी कब तक होगा ये, कितने किलोमीटर होगा। देखो उत्तरी ऑफ रोडिंग ओके। हाँ रास्ता स्लिपरी भी है और डरावना भी है, और ये सुंदर सा पैंगोंग लेक भी है आजू अपने लेफ्ट साइड में। तो इसका साथ थोड़े किलोमीटर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तुम्हें बता रहा था कि रात को इतनी कड़ाके की ठंडी थी ना भैया, याद रहेगी ठंडी है, बहुत ठंडी थी। प्रॉपर नींद पूरी नहीं हुई और सुबह नहाने का सोच भी नहीं सकते थे। 5 किलोमीटर के बाद ये कुछ टर्मैक का रोड है, प्रॉपर रोड दिख रहा है मुझे। ये घोड़े वाइल्ड है कि कुछ पाले हुए लगता नहीं, पता नहीं। यहाँ की ग्रीनरी है तो वो घास चरा रहे हैं, घास खा रहे हैं, लेकिन यहाँ से उनके ऊपर से ड्रोन उड़ाने की बहुत इच्छा है मेरी, ट्राई कर ले क्या। का ड्रोन शॉट लेने रुके थे, मज़ा आया। अभी उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ही लेना पड़ा। ओके चलो, अभी जैसे मैंने बताया कि मेराक से टुवर्ड्स चुशुल जा रहे हो, तो मेराक से अराउंड 5 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है, उसके बाद ये रोड है। अब ये रोड कहाँ तक हमें लेके जाता है इसे वो हम लोग देखेंगे। तो ये अब रास्ता देखो, मतलब कोई नहीं है, सुनसान, बहुत टाइम से मुझे ऑलमोस्ट कितना 20 से 25-30 किलोमीटर आ गए, मुश्किल से एक दो व्हीकल दिखा और दो बाइकर जो पीछे रुके थे, दैट्स इट। मतलब कोई नहीं है इस पे, ये रोड पे ना लोग रेयरली ट्रैवल करते। तो मैं कल ही बता रहा था कि अगर इसमें ना कुछ गॉड फॉरबिड कुछ ना हो जाए, लेकिन ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसमें ये रोड पे अगर आते हो तो डिपेंडेंसी बहुत कम होनी चाहिए आपकी, क्या मतलब सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो।
तो जब पेंगोंग से मेराक से आओगे तब को दोनों से मिलेंगे, ले जाएगा नमा होके और ले जाएगा चुशुल होके। तो ये कन्फ्यूज होना, ये जहाँ पीछे वो लिखा भी है चुशुल, ओके, तो लेफ्ट राइट मैप के हिसाब से राइट भी जाएगा नमा होके चुशुल, ओके, और ये सीधा जाएगा चुशुल होके वापस से आगे हानले। तो दो रास्ते आपको मिलेंगे, तो हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं क्योंकि हमें एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रही है, रेजांगला वॉर मेमोरियल, एक नई चीज़ है जो एक बार एक्सप्लोर करके आ जाते हैं, जो चुशुल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। चुशुल से हमको जाना है सीधा हानले के लिए। यह मेजॉरिटी कंपाउंड जो है ना ऐसे पत्थर की बनाए, देखो ऐसे पत्थर रख रख के बनाए, देखो हमारे इधर फील्डिंग लगाते हैं, बाउंड्री लगाते, तारे लगाते हैं, यहाँ देखो पत्थर लगाए। तो नई जगह नई चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती है आपको, देखो पूरा पूरा एरिया जो है ना पत्थरों की बाउंड्री से बनाया, बस रखे शेप में रखे, बस कुछ उसका कसर नहीं है। झूले और ये कौन सा गांव है पता नहीं, लेकिन बीच में गांव तो था, चुशुल है शायद से। तो वापस हम इस रूट से आए हैं, लेकिन वापस से कन्फ्यूजन वाला रोड है, तो ये रोड से आए हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ दिखा था आपको मैं, ये बोर्ड लिखा है, तो कन्फ्यूजन वाला है, हमें जाना है रेजांगला वॉर मेमोरियल, देखो वो लिखा है छोटा सा बोर्ड। और ये हम नेवमा में जाना है, हनले बेचे के लिए नेवमा में आता है, तो नेवमा भी जाना है, तो सीधा बता रहा है, तो माहे और नेवमा हमें जाना है, ठीक है। तो ये रूट लेते हैं, इसलिए आपको दोनों चीज़ें हर बार यूज़ करनी है, गूगल का ऑफलाइन मैप और लोकल मैप। लोकल मैप मतलब लोकल के लोग, इनसे हर बार पूछते रहे ना, पूछते आना, अगर मैप आपको लगता है धोखा दे रहा है तो लोकल से पूछो। अभी हम लोग ये मैप के भरोसे जा रहे हैं, फिर वहाँ बोर्ड लिखा है, ठीक है, आगे जाके पूछते हैं लोकल से, ये लोग मदद करेंगे हमारी। भैया हानले हानले सीधा ना, ठीक है, थैंक यू। यहाँ के मैंने एक नोटिस किया, यहाँ के लोकल लोग जो है प्रॉपर लद्दाखी लोग जो है बहुत ही हम्बल है, बहुत प्यार से बात करेंगे। अगर आप कोई पूछते हुए कुछ पूछते हो ना उनको, ना हम्बली बात कम पूछेंगे कि पता है नहीं पता है, कोई ऐसे करना वैसे करना है। मैंने जितना भी इनका ट्रिप है अभी, मैंने जितने भी दिन बिताए लद्दाख में रिजन में, आई नेवर केम अक्रॉस कि किसी ने एकदम उल्टा सीधा बात कर दिया, नहीं सही है, तो ऐसे होता है। यहाँ से पूरा ऑफरोडिंग, अभी यार वापस रास्ते कन्फ्यूजिंग वाले बहुत है यार, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो भैया अगर आपको हनले आना है तो बी रेडी फॉर दिस ऑफरोडिंग। वो जो भी बोला था अच्छा अच्छा मैं बोल रहा था ना, अच्छा रास्ता वो चुशुल तक ही था, चुशुल के बाद हनले के लिए ये रास्ता दिखाया गूगल मैप ने भी, और लोकल से पूछा हमने, उन्होंने भी बोला कि यह सीधा रोड जाएगा, लेकिन सीधा रोड सीधा नहीं है, वो ये आड़ा टेढ़ा है। तो इसलिए आप देखोगे, इसलिए लोग नॉर्मल टूरिस्ट यहाँ नहीं आते, हानले प्रेफर नहीं करते। अभी पता नहीं हम लोग, देखो ये जो भी हम जा रहे हैं ना, मैप भी सही बोल रहा है गूगल, या लोकल मैप भी सही बोल रहे हैं। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, कौन सा रास्ता जाएगा पता नहीं, ऊपर भी एक रास्ता जा रहा है, ये नीचे भी रास्ता जा रहा है, खड्डे 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 खड्डे। इस ट्रिप का असली मज़ा ना अभी से स्टार्ट हो गया, मतलब बोलते रिमोटनेस कोई नहीं है, मतलब अपने भरोसे आत्मनिर्भर, कुछ होता है तो ये सब प्रॉब्लम हमें भी खुद को सॉल्व करना, कोई नहीं आएगा सॉल्व करने। ओ तेरी, बच गया। अभी फ्लैट हो जाता, मैं बोला था ना वो सैंड ना पूरा खिसक जाती है, अभी बच गया। ओ तेरी,
तो चलो ये ऑफरोडिंग हम आराम से क्रॉस करते हैं, आपको मिलते हैं अलग से। अरे ये तो कैसे कैसे लोग हैं यार उधर, वो जो भी है विस्की रम वो क्या बोलते उसको खम्बा जो भी है वहाँ का बॉटल आइए इधर क्यों छोड़ के है? अब लेके आते हो ये भी यहाँ तो मिलता है नहीं, अब लेके आते हो लेके जाओ ना वापस। क्यों लद्दाख की ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हो और नाम बदनाम कर रहे हो? देखो इस ऑफरोडिंग के बाद यहाँ एक बोर्ड लगा है रेजांगला मेमोरियल, यहाँ से 10 किलोमीटर सीधा, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो चलते हैं। मतलब ऐसा बोर्ड लिखा है तो मतलब लोकल भी सही है, गूगल भी सही है और हम भी सही है। तो चलो अभी यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको शांति से क्रॉस करते चलो। और ऐसे रिमोट टेरेन में ना मेक श्योर अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो या 2 जन के साथ 3 जन के साथ राइड कर रहे हो मतलब कि जितना, तो मेक श्योर कि आप सब साथ में रहें क्योंकि यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता, ठीक है? तो आप मेक श्योर करो कि आपका बंदे आपके पीछे है, आपको दिख रहे हैं मिरर से, अगर नहीं दिखते तो थोड़ा देर रुको, बहुत टाइम के बाद वापस नहीं दिख रहे तो आप यू टर्न लेके उनके पीछे जाओ, बस कॉन्टैक्ट बनाए रखो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लो जी हम लोग आ गए रेजांगला मेमोरियल, अभी किसकी याददाश्त में बनाया है वहाँ जाके पता करेंगे, और यहाँ कैमरा या शूटिंग फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं वो भी नहीं पता, वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे। तो चुशुल से ये अराउंड 14 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है, ऐसे ही ऑफ रोडिंग है ऐसे ही। देखिए अभी जाना कहाँ से, अच्छा आगे लगा, सॉरी आगे दिखा है रेजांगला मेमोरियल, ओके यहाँ से जाना है, ओके थैंक यू, यहाँ से जाते हैं। सिर्फ एक टूरिस्ट गाड़ी दिख रही है, बाकी कोई नहीं है इधर, बाकी बस हम और हमारी दो और बाइकें हैं। रेजांगला वॉर मेमोरियल, तो फाइनली हमने आप आए थे, हमने पहुँच गए थे रेजांगला वॉर मेमोरियल, बहुत पहले पहुँच गए थे, फिर हमने ये सारा जगह एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली ये है मेमोरियल किस लिए बनाया है, तो 1962 में चाइना ने ज़बरदस्ती घुसपैठ किया था हमारे बॉर्डर में, तो उसका हमने आंसर जो दिया था जो 1962 में जो रेजांगला में वॉर हुआ था, तो इसका हिस्ट्री यहाँ मेमोरियल के थ्रू आपको पता चलेगा। यहाँ आपको ऑडियो सुनने मिलेगा, आपको वीडियो देखने मिलेगा, यहाँ के कुछ वेपन्स रखे हैं उसमें से कुछ वॉर में यूज़ हुए हैं वॉर में यूज़ नहीं हुए हैं, यहाँ कुछ हिस्ट्री लिखा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन वापस से ये बहुत थोड़ा सा इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप हानले का प्लान कर रहे हो तो आप ऑन रोड ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ जो 114 जवान शहीद हुए थे उनमें से 113 जवानों की जो अंतिम संस्कार है इधर ही इसी जगह पे उन्होंने किया था जहाँ ये मेमोरियल बना है, उसमें से एक जो थे वो मेजर शैतान सिंह, उनकी बॉडी या उनका शव जो है वो घर पे लेके गए थे उनके राजस्थान में। तो ये जो वॉर हुआ था ये जो है वो ब्लैक टॉप जो आपको सामने दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, ये वहाँ वॉर हुआ था, वह लड़ाई हुई थी, वही फाइट हुआ था, और ये जो मेमोरियल बना है ये भी रेजांगला की पार्ट है। तो ये है अपने आर्मी की या अपने जवान की जो वीर गाथा की स्टोरी, रेजांगला वॉर मेमोरियल, आपको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। हमने तो कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से अभी निकलते हैं, आपको मिलते हैं वापस से कोप्रो मोड में।